नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़ के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ खंड शिक्षा क्षेत्र जहानागंज के बीईओ डॉक्टर कल्पना के साथ उच्च प्राथमिक विद्यालय मंदिर में निरीक्षण के दौरान सहयोग न करने, दुर्व्यवहार करने और उसके साथ खंड शिक्षा कार्यालय पर आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। 8 नामजद और 150 अज्ञात शिक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें 2 प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक भी शामिल हैं। 1 मई को बीईओ जहानागंज डॉक्टर कल्पना सुबह 8 बजे उच्च प्राथमिक विद्यालय मंदे में निरीक्षण करने पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने प्रेरणा निरीक्षण ऐप पर कुछ प्रश्नों का जवाब सहायक अध्यापक राम सागर सरोज से मांगा। उन्होंने सहयोग करने के बजाय चेक कर रहे रजिस्टर को नीचे फेंक दिया। आरोप लगाया है कि मेरा बाल पकड़ने की कोशिश की है। इस दौरान अपशब्द कहते हुए जान से मारने की धमकी तक दी है। मैं वहां से किसी तरह बचकर अपने खंड कार्यालय पर आ गई। कुछ देर बाद पूर्व माध्यमिक विद्यालय जहानागंज के सहायक अध्यापक अनिल सिंह, विवेक सिंह, प्राथमिक विद्यालय मसीरवीर के प्रधानाध्यापक शिव प्रसाद चौबे, प्राथमिक विद्यालय शेरपुर कुटी के प्रधानाध्यापक कृष्णानंद विश्वकर्मा, प्राथमिक विद्यालय तैयबपुर के प्रधानाध्यापक संजय कुमार सिंह, कंपोजिट विद्यालय गोधौरा के शिक्षा मित्र अरुण कुमार सिंह और प्राथमिक विद्यालय भीगपुर के सहायक अध्यापक अंकित सिंह समेत 100 से 150 शिक्षक एकजुट होकर आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए खंड कार्यालय पर धरना दिया। बीओ की तैयारी पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। वहीं इस पूरे मामले में एसपी सिटी सैन लाल ने बताया कि महिला खंड शिक्षा अधिकारी स्कूल चेक करने प्राथमिक विद्यालय मंदिर गई हुई थी। वहां पर वह ड्यूटी चेक करना चाहती थी। उनके साथ सहयोग नहीं किया गया, बदतमीजी की गई। इसके उपरांत अन्य लोगों को बुला लिया गया, रजिस्ट्रेशन से छीन लिया गया। इस घटना के बाद पुलिस द्वारा मुकदमा लिखा गया, जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 211/24 धारा अंतर्गत 352, 504, 506, 354, 188, 342 व 34 IPC कायम किया गया है। शीघ्र ही साक्ष्य के आधार पर आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि मुकदमे में 8 लोग नामजद हैं, जबकि 100 से 150 लोग अज्ञात। से दुर्व्यवहार के मामले में कुछ शिक्षकों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या है पूरा मामला और कितने शिक्षकों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया? एक महिला खंड शिक्षा अधिकारी अपना स्कूल चेक करने के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालय मंदे गई थी और वहाँ पर वो ड्यूटी चेक करना चाहती थी, तो वहाँ सहयोग नहीं किया, उनके साथ बदतमीजी करी गई। इसके उपरांत अन्य लोगों को बुला लिया गया और रजिस्टर वगैरह उनसे छीन लिया गया। इस घटना पर पुलिस के द्वारा मुकदमा लिखा गया, जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 211/24 धारा अंतर्गत 352, 504, 506, 354 का, 188, 342 व 34 IPC का कायम किया गया। शीघ्र साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कितने नामजद और कितने? इसमें 8 लोग नामजद हैं व 100 से 150 लोग अज्ञात। इसमें अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।